दुनिया में ऐसे कितने जगह है जहाँ जाना तो दूर उसका नाम सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही भारत के 10 भयानक स्थान के बारे में बताएंगे जहाँ लोग जाने से कतराते हैं। इसके पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भानगढ़ किला, राजस्थान। ऐसा कहा जाता है कि पुराने जमाने में एक तांत्रिक ने इस महल पर काला जादू कर दिया था और तब से भानगढ़ किला भूतिया किला हो गया है। सूर्यास्त के बाद इस किले में लोगों का प्रवेश वर्जित है। इस किले के आसपास बने घरों की छतें नहीं रहती हैं। अगर उन छतों को बनवा दिया जाए तो अपने आप चटक कर टूट जाती है। जतंगा घाटी, असम। असम में जतंगा घाटी बहुत सुंदर और मनोरम दृश्यों वाली है, लेकिन सितंबर के महीने में हर अमावस रात को यहाँ भारी संख्या में रहस्यमय रूप से पक्षी मर जाते हैं। ये पक्षी प्रवासी होते हैं, लेकिन यहाँ से कभी वापस नहीं जाते हैं। इन पक्षियों का यहाँ आकर मरने के पीछे क्या कारण है, आज तक किसी को भी पता नहीं चला है। रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि भूतों को सिर्फ खंडहर ही रास आते हैं, तो आपको रामोजी फिल्म सिटी के बारे में जानना होगा। रामोजी फिल्म सिटी के कई होटलों में भूतों का निवास माना जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह फिल्म सिटी निजाम सुल्तान की धरती पर बना है, जहां कई बार लोगों को विचित्र छाया, उंगलियों के निशान और दरवाजों के अपने आप खुलने बंद होने का आभास हुआ है। अग्रसेन का बावली, दिल्ली। यह एक भयानक बावली है। पौराणिक कथाओं में भी इसका वर्णन है। कहा जाता है कि जब इसमें काला पानी भर जाता है तो ये लोगों को इसमें मरने के लिए मोहित करती है। यहाँ तक कि आज भी यहाँ लोग सूर्यास्त के बाद नहीं आते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में कई प्रकार की रहस्यमय घटनाओं के बारे में सुनने को मिलता है। जो गार्ड यहाँ रात में ड्यूटी करते हैं, वह आपको कई प्रकार की ऐसी घटनाएं सुना सकते हैं। जिन मजूदरों की मौत यहाँ पुस्तकालय में हुई थी, उनके भूत इसी पुस्तकालय में रहते हैं। काफी समय पहले एक छात्र इस पुस्तकालय में गया और फिर वहां से कभी वापस नहीं आया। कई लोग कहते हैं कि सुबह जब लाइब्रेरी खोलिए तो हर दिन काफी पेपर और सामान बिखरा हुआ पड़ा रहता है। टनल नंबर 103, शिमला। शिमला कालका रोड पर टनल नंबर 103 स्थित है। लोगों का मानना है कि वहां कई आत्माएं रहती हैं। यहाँ घनघोर अंधेरा रहता है और आपको ऐसा लगेगा कि कोई बात कर रहा है। कई बार लोगों ने यहाँ औरत की आत्मा को टहलते हुए देखा है। अहल्या घोस्ट लाइट्स, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मासस में कई बार घोस्ट लाइट्स का वर्णन होता है। मछुआरों से इस बारे में आप कई कहानियाँ सुन सकते हैं। उनका मानना है कि लाइट जलने के बाद आपको नहीं जाना चाहिए, वरना मौत निश्चित है। शानिवारवाड़ा किला, पुणे। ये किला महाराष्ट्र का सबसे बड़ा किला है, जिसकी दीवारें रहस्यमय गाथाओं से भरी हुई हैं। कहा जाता है कि एक युवा राजकुमार को उसके ही रिश्तेदारों के द्वारा दीवारों के अंदर पटक कर मार डाला गया था। तब से आज तक राजकुमार की आत्मा वहां हर पूर्णिमा को मौत का बदला लेने आती है। इस डर से इस किले में कोई भी सूर्यास्त के बाद नहीं जाता है। दुमस तट, सूरत, गुजरात। सूरत के दुमस तट को डरावना स्थान माना जाता है। इस तट पर बहुत पहले लाशों को दफन करने के लिए लाया जाता था, इसलिए यहां कई आत्माएं आज भी भटकती हैं। जब आप इस तट पर आएंगे तो फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है, जबकि आपके आसपास कोई नहीं होगा। कुलधारा, राजस्थान। इस स्थान के बारे में सन 1800 में स्थानीय लोगों को पता चला कि यह रहस्यमय और बेकार है, इसलिए इस जगह को लोगों ने छोड़ दिया। कहते हैं यहाँ रुकने पर व्यक्ति गायब हो जाता है, और ऐसा कई बार हुआ है, जिससे गांव वालों ने वह जगह छोड़ दी और तब से यहां कोई नहीं रहता। जो भी रहता है वह मर जाता है।
अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।